फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 52 में हम लोग सीखने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, और ये वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट 4 होगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि वेबसाइट का लेआउट यानी होम पेज तैयार करने में हम लोगों को किस तरह के कंटेंट की जरूरत पड़ी थी और कैसे हम लोगों ने वहां तक डिजाइन किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कैसे डिजाइन करना है। तो 51 में हम लोगों ने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया था, अब हम लोग 52 में यहाँ से आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कंटेंट यूज़ किया है। कंटेंट हमने पहले से यहाँ पर ओपन कर रखा है नोटपैड में। आप देखिए, हमारा ये जो स्क्रीन नंबर 4 था ऊपर, ये स्क्रीन नंबर 4 हमने पूरा बना लिया था, और उसके नीचे ये जो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन था ये भी हमने क्लियर कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन 5 में एक छोटा सा कंटेंट है, इसे हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर स्क्रीन नंबर 6 में जाएंगे। और यहाँ स्क्रीन नंबर 6 में रीडर वर्ड फॉर अस है, तो रीडर हमारे बारे में क्या कह रहा है यानी इस बुक के बारे में। तो एक दो रीडर का जो रिव्यू होता है वही हमें दिखाना पड़ता है आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को स्क्रीन नंबर 5 में ये दिखाना है कि आप ये जो बुक बाय कर रहे हैं तो आपको क्यों बाय करना है, इससे पहले कितने लोगों ने इसे खरीदा है। तो देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मोर देन 3000 पीपल रीड द बुक, गेट योर कॉपी नाउ। तो इसे हम लोगों को डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करेंगे, आइए डिजाइन पर चलते हैं। तो यहां पर सब्सक्राइब के नीचे वो कंटेंट दिखाना है, उसके लिए हम लोग यहां रेक्टेंगल टूल लेंगे और टॉप लेयर पर रहते हुए एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, और इसका जो कलर हम लोगों को रखना है वो यहां से डबल क्लिक करेंगे और ये कलर चूज करेंगे। हम लोगों को यही कलर यूज करना है यहाँ पर, ताकि देखने में अच्छा लगे। और ध्यान रखेंगे कि ये जो स्पेस है यहाँ पर, आपको वही स्पेस नीचे भी रखना होगा। तो इसकी हाइट है 51 पिक्सल, तो हम लोगों को इसी को यहाँ लेकर जाना है और देखना है ये 51 पिक्सल है या नहीं। ये देखिए 51 पिक्सल से ज़्यादा है, तो एक रूलर यहाँ पर ऐड कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि कितना ऊपर लेकर जाना है। अब उसके बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कीजिए और इसे मूव टूल पर रहते हुए ऊपर लेकर आइए इस तरह से। ये देखिए, अब दोनों बराबर हो गया है, इस रूलर की जरूरत नहीं है, तो आप इस गाइड को यहां से हटा दीजिए। अब उसके बाद यहां पर हमें वो कंटेंट लिखना है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। इसके साइज को हमें बड़ा रखना है, और साथ ही साथ कंटेंट में कुछ चीजें और है। यहां पर गेट नाउ का एक बटन भी बनेगा, तो ध्यान रखें कि यहां पर जो डिजाइन है वो आप स्पेस बनाकर रखेंगे। तो यहां पर योर कॉपी से मैं कंटेंट नीचे लेकर आता हूं इस तरह से, और यहां पर हमें लेफ्ट अलाइन करना है इस गाइड के साथ, और इसको सेंटर में रखना है। सेंटर करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मूव टूल पर रहेंगे और यहां से हम लोगों को वर्टिकली अलाइन कर लेना है सेंटर। ये सेंटर हो गया, आप कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दीजिए। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें और बड़ा करना है, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद यहां पर एक छोटा सा बटन हमें ऐड करना है, उसके लिए आप यहां से राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर रहेंगे, इसको 50% रखेंगे रेडियस, और उसके बाद यहां पर एक छोटा सा बटन हम लोगों को ऐसे बनाना है, और इसको भी सेंटर ही रखना होगा। तो सेंटर रखने के लिए कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, यानी ये जो शेप हमने बनाया है येलो कलर का, इसका सिलेक्शन जब भी करने की जरूरत होगी तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद इसे वर्टिकली सेंटर कर लेना होगा यहां ऐसे, और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लीजिए, और इसे राइट अलाइन करना होगा इस गाइड के साथ, तो आप यहां पर लाकर ऐसे लगा देंगे, और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है हम लोगों को गेट नाउ। अब इसको अलाइन करना है इसके साथ, तो कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहां पर से हम लोग अलाइन कर लेंगे और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं, वो ये कि जब गेट नाउ पर कर्सर लेकर आए यूजर, यानी जो खरीदने के लिए इस वेबसाइट पर आया है, वो जब कर्सर यहां पर लेकर आएगा तो आप चाहेंगे तो यहां पर आप दो कलर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, करके दिखाता हूं। इसकी हमने एक कॉपी कर ली, और इसका कलर ऊपर वाले का कलर मैं करता हूं ब्लैक ये, और फिलहाल इसके आईबॉल को बंद कर देता हूं।
और इसकी भी एक कॉपी करेंगे कंट्रोल जे से और इसको ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, और इसका कलर कर देंगे हम लोग वाइट और इसको ऑन करेंगे। अब देखिए इन दोनों को ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी से और इसको हम लोग रीनेम करेंगे होवर, यानी कि जब कर्सर इस पर आएगा तब ये वाइट में हो जाएगा और इन दोनों को ग्रुप करके हम लोग कर देंगे नॉर्मल। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह से हम लोग बटन को दिखा सकते हैं। जैसे ही कर्सर यहां पर लेकर आए तो ये गेट नाउ बदल जाएगा इस तरह से। तो आप इसे दो लुक में दिखा सकते हैं, पहले आप ब्लैक में रखेंगे और कर्सर आने के बाद इसको व्हाइट एंड ब्लैक में कर सकते हैं ये। तो अब हमारी वेबसाइट यहां तक कंप्लीट हो गई है। इसके नीचे हम लोगों को दिखाना है रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में। कोई भी बुक्स हो या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो आप जो पहले से लोग खरीदे रहते हैं उसके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं, यानी उसके बारे में पहले से जानते हैं कि जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूं वो अच्छा है या नहीं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ने के बाद ही आप खरीदते हैं। तो यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि इस बुक के बारे में रीडर्स क्या कहते हैं। पहले आप इन सभी को ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और इसको लिख देंगे हम लोग गेट नाउ, एक बटन है वो हमने लिख दिया, या फिर हम लोग स्क्रीन 5 भी कर सकते हैं। अब ये देखिए नीचे जगह है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग नीचे स्पेस बना लेते हैं। आप बैकग्राउंड लेयर पर आ जाइए और उसके बाद इमेज में जाकर वही काम करना होगा, कैनवास साइज पर जाएंगे, नीचे साइज बढ़ाना है तो आप टॉप पर क्लिक करेंगे और नीचे ये खाली हो जाएगा, यहां से आप साइज बढ़ा सकते हैं। अभी ये 3500 है, मैं चाहता हूं फिलहाल 5000 कर देना ताकि नीचे और भी जो चीज़ों की ज़रूरत होगी सब कुछ एक साथ कर लेंगे। ये देखिए नीचे स्पेस यहाँ पर बढ़ गया है, अब हम लोग नीचे आसानी से काम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें स्क्रीन 6 में है रीडर वर्ड फॉर अस, और यहाँ दो लिखा हुआ है 1 और 2, इन दोनों के बारे में आपको दो इमेजेस की भी ज़रूरत होगी। अगर आप चाहें तो इमेजेस लगा सकते हैं और इमेजेस के साथ साथ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है यानी उन्होंने जो कमेंट्स कर रखा है वो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए हम लोग देखिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आने के बाद हम लोग इसे पेस्ट कर लेंगे, टॉप लेयर पर ही रहेंगे आप और यहां कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, ये कितने बड़े साइज में रखना है आप ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए साइज आपको यहां से पता चल जाएगा, ये साइज एग्जैक्टली है ऑलमोस्ट 82, तो हम लोग 81-82 रख सकते हैं। फिलहाल इसे भी मैं कर देता हूँ 81.88। एक ही साइज रखना है, बड़ा छोटा नहीं रखना है। और इन सभी का कलर येलो करते हैं और इस रीडर का कलर हम लोग चेंज करके यूज करेंगे ब्लैक। यही फ्लो हमारा ऊपर से चलते आ रहा है तो उसी फ्लो को हम लोग यहां पर कंटिन्यू रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो स्पेस है वही स्पेस यहां पर फॉलो हो, अलग अलग स्पेस फॉलो ना हो। तो हमें यहां पर चेक करना होगा कि हमने यहां पर क्या स्पेस रखा हुआ है, वही स्पेस हम लोगों को हर जगह यूज करना होगा। तो ये स्पेस हम लोगों का जो है यानी कि ये 80 पिक्सल है, हमें 80 पिक्सल ही रखना होगा यहां पर। तो 80 पिक्सल रखने के लिए आप यहां से क्लिक करें ऐसे और जहां 80 पिक्सल आ जाए वहां पर छोड़ दीजिए। ये देखिए 80 पिक्सल है। यहां पर एक गाइड हम लोगों को लगाना होगा, तो कंट्रोल आर से रूलर ओपन करेंगे, यहां से आप एक गाइड लगा लीजिएगा, फिर आप इस गाइड को हटा लेंगे। कंट्रोल डी से फिलहाल डी सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल पर जाएंगे और रीडर को ऊपर लेकर जाएंगे यहां पर और इस कॉर्नर में अटैच कर लेंगे ऐसे। अब यहां पर एक कॉर्नर डिजाइन भी लगाने की जरूरत होती है, जैसे हमने यहां पर लगाया है ये कॉर्नर, यही चीज हमें वहां पर भी लगाने की जरूरत होगी। तो आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें या आप दूसरा भी बना सकते हैं, तो फिलहाल मैं दूसरा ही बना लेता हूं। क्योंकि कॉपी जब करेंगे तो सभी ग्रुप से निकालना होगा, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। वो कॉर्नर डिजाइन भी हमने बनाने के लिए ऊपर सीखा था। यहाँ रेक्टेंगल टूल पर आते हैं, एक कॉर्नर इस तरह से बनाते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा कॉर्नर चाहिए आपको, ये इतना बड़ा ठीक है। और यहाँ से फिल कलर बंद करेंगे और स्ट्रोक का कलर ऑन करेंगे, यही येलो कलर रखेंगे। यहाँ से पिक्सल कम करेंगे, 2 पिक्सल से ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यानी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे।
अब ये कॉर्नर ऑटोमेटिकली बन गया है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी कर सकते हैं और इसको जितना एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए बन चुका है जैसे ऊपर में था वैसे यहां पर। अब इस गाइड की जरूरत नहीं है तो आप इस गाइड को यहां से हटा सकते हैं। तो अब हमें यहां पर दो रीडर के बारे में बताना होगा, तो दोनों रीडर की इमेजेस को सबसे पहले यहां लेकर आएंगे और उसके बाद उनका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो साथ में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर एक शेप क्रिएट करेंगे, यहां क्लिक कीजिए और 3 इंच बाई 3.5 इंच और यहां से ओके कर लेंगे। ये साइज हमें दिखाना होगा, कंट्रोल 1 से आप 100% पर जाकर देख सकते हैं कि आपकी साइज कितनी बड़ी है और यहां पर हमें ऐड करना है। यहां पर भी ध्यान आपको यही देना होगा कि ऊपर में जितना स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस यहां पर ना हो और ये स्पेस काउंट होगा इस वाले कॉर्नर से। तो ऊपर हम लोगों ने 80 पिक्सल रखा था, यहां पर भी 80 पिक्सल से ज्यादा नहीं रखेंगे, ऑलमोस्ट 80 पिक्सल है। तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे और इसका कोई एक कलर फिक्स कर देंगे। तो फिल कलर मैं ऐड करता हूं इसमें, इसका फिल कलर मैं रखता हूं इस तरह का और इसका स्ट्रोक का कलर हम लोग इससे कुछ अलग रख सकते हैं, जैसे ये कुछ लाइट है इस तरह का लाइट हम लोग कर लेते हैं और इसको 3 पिक्सल्स कर देते हैं ऐसे, यस। और इसमें इमेज को मास्किंग करनी है तो इमेज हमारे पास कंटेंट में है, वहां से इसे कॉपी करके लाना है। इस इमेज को लाइए और यहां पर लाकर मास्किंग कर दीजिए, कंट्रोल ऑल्ट एंड जी, और इसे ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेंगे। ये ठीक है, इसके साथ भी हमें इस डिजाइन को कॉपी करना है तो इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर लीजिए और ऊपर ले जाकर आप इसको अलाइन कर लीजिए ऐसे, और इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेंगे क्योंकि दो लोगों को दिखाना है। तो ऑल्ट प्रेस करके लाएंगे और यहां पर इस तरह से रखेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं आराम से कंटेंट आ जाएगा। तो फिलहाल मैं कंटेंट लेकर आता हूं इस ग्रुप में, यहां पर रीडर 1 है, मैं R1 करता हूं और इसका R2, सबको रीनेम करना जरूरी है। इसको ओपन करेंगे और यहां पर जो कंटेंट है वो लिखना है हमें, तो कंटेंट यहां से कॉपी करेंगे, ये हैं ब्लैक कलर में, छोटा करेंगे इसे और इसको बोल्ड नहीं रखना है, ध्यान रखें यहां से ये फॉक्स बोल्ड को हटा देना है और यहां पर इसे हम लोग बोल्ड से भी हटाकर, यहां पर ये जो है फॉक्स बोल्ड से हटाकर इसे हम लोग रेगुलर कर लेते हैं ये, और यहां ये फाउंडर जो है इसका कलर हम लोग यूज करेंगे येलो, जो ये कलर है वही कलर, और यहां से यस कर लेंगे। ये होता है प्रोसेस। अब आप इसी की कॉपी कर लीजिए, इसी टेक्स्ट की, क्योंकि ये फाइनल नेम है नहीं, जब फाइनल नेम आपको मिल जाएगा तब आप इस नेम को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये फाउंडर को हम लोग कर देते हैं CEO, ये ठीक है। अब यहां पर आप चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो ये कि इन दोनों ने इस बुक को कितना स्टार दिया है। उसको दिखाने के लिए आप यहां पर चले जाएं कस्टम शेप टूल में और यहां से स्टार सेलेक्ट करें। ये देखिए स्टार मिल गया। अब हम लोग इसको इस तरह से डिजाइन कर लेंगे, छोटा सा स्टार आपको बनाना होगा। और इसकी कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके, इन दोनों की कॉपी करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और ऊपर वाले की भी कॉपी करेंगे ऑल्ट प्रेस करके। और मान लिया जाए कि इन्होंने 4.5 स्टार दिया हो तो ऊपर वाले को हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए आप यहां से एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, कंट्रोल इंटर कंट्रोल डी करेंगे और देखिए क्या करना है, यहां से 50% सेलेक्ट करना है और ऊपर में वाइट कलर फिल करके आप इसको मास्किंग कर लीजिए, क्लिपिंग मास्क, और कंट्रोल इंटर कंट्रोल डी कर लीजिए। ये अब 50% हो गया है। अब इन सभी स्टार को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें और इसकी एक कॉपी कर लें और लाकर यहां पर ऐड कर लें इस तरह से ऐसे,
और इसको आप ऊपर वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए यहां ले जाकर ऐसे, और इसको 5 स्टार दिया है तो इसको आप डिलीट कर लीजिए। यस, यानी इन्होंने 5 स्टार दिया है और इन्होंने 4.5 दिया है, तो आप ऐसे करके यहां पर स्टार दिखाएंगे। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया है, अब हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है, सिर्फ आप इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और उसके बाद R1 में यहां पर हम लोग फिट कर देंगे। साइज कम रखेंगे, 14, इससे ज्यादा नहीं। कलर ब्लैक रखेंगे, और यहां ध्यान रखेंगे कि ये रेगुलर होना चाहिए, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। अब ये कंटेंट कम हो रहा है तो इसी कंटेंट को दोबारा लिखना है, तो आप इसी को कॉपी करके आप दोबारा इसको फीड कर सकते हैं। इस तरह से ये कंटेंट रेडी हो गया है, इसी को कॉपी करके सिर्फ लाकर यहां पेस्ट कर देना है, तो ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे और लाकर यहां पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये रीडर वॉइस जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी स्क्रीन नंबर 6 रेडी हो गया है। कंट्रोल 1 से आप 100% पर करेंगे और F प्रेस करेंगे 3 टाइम्स, आपको इस तरह से दिखने लगेगा, ये देखिए डिजाइनिंग। और कंट्रोल H से इस गाइड को आप हटा करके देख सकते हैं कि आपकी डिजाइनिंग कैसी लग रही है, ऊपर से नीचे तक हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट डिजाइनिंग ऊपर से नीचे तक, बहुत ही साफ सुथरी डिजाइनिंग है, आपको ऐसे ही डिजाइन करना पड़ेगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं, इसका कंटेंट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, पूरा डिटेल कंटेंट कि हमें इस वेबसाइट के लिए कितने कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है। ध्यान रखें बीच बीच में आपको सेव कर लेना पड़ेगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो कोई भी चेंजेस हुआ तो आपकी ये पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं स्क्रीन नंबर 7 में क्या कॉन्टेंट है। तो ये देखिए स्क्रीन नंबर 7 में है प्राइसिंग ऑफ बुक, और यहाँ पर है फर्स्ट चैप्टर $0, ई बुक लेना है तो $10, और प्रिंटेड बुक लेना है तो $30, इन तीनों को दिखाना होगा हमें। तो कैसे दिखाएंगे, प्राइसिंग ऑफ बुक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और सबसे पहले आप इन सभी को ग्रुप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, और इसको रिनेम करेंगे रीडर वर्ड, और यहां पर प्राइसिंग है, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसे बड़ा करेंगे हम लोग। इसकी साइज हम लोगों को रखनी है 81.88, और इसे हमें करना है बोल्ड, और फॉक्स बोल्ड भी हमने सबको कर रखा था तो ये भी कर लेते हैं, और उसके बाद ये प्राइसिंग को ब्लैक ही रहने देंगे, आगे के जो भी टेक्स्ट हैं उसको हम लोग कर देंगे यहां से ये लो। यस, और कंट्रोल एच से आप गाइड को दोबारा ऑन कर लीजिए, इस तरह से हमें ऐड करना है। यहां पर आप ध्यान ये रखेंगे कि इन सभी के बीच में जो भी मैं स्पेसिंग रख रहा हूं आपको स्पेसिंग इक्वल रखना है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं यहां पर, जैसे ये किया था वैसे मेजरमेंट हमें यहां पर भी करना है, और यहां पर गैप इक्वल रखना है। तो फिलहाल मैं एक अंदाज से कर रहा हूं, चूंकि मैं काम करता रहता हूं तो एक हैबिट हो जाती है कि हमें कितना रखना है। आपको मालूम होना चाहिए ये जो डिजाइनिंग है इसको कहते हैं UI डिजाइन। इस डिजाइन को डायरेक्टली इंटरनेट पे अपलोड नहीं किया जाता है, इन सभी UI डिजाइनिंग की HTML की जाती है, और उसके बाद इसको डेवलप करके तब लाइव किया जाता है। आप एक डिजाइनर हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग करने के बाद जो डेवलपर होगा वहां पर इस डिजाइन को भेजा जाएगा, यानी फ्रंट एंड डेवलपर के पास, और उनका काम होगा इस वेबसाइट को HTML में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद डेवलप करना और लाइव करना। तो बाय द वे, अब उसके बाद हमें इस कॉर्नर की जरूरत होगी जो हमने सब में रखा हुआ है, तो एक बना लेते हैं, और सेम प्रोसेस करना होगा, 2 पिक्सल से ज्यादा नहीं रखना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाकर के इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे ऐसे, और मूव टूल पर जाएंगे यहाँ इस तरह से लगा लेंगे। जूम करके काम करें, जूम करके जो भी वर्क करेंगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी, कंट्रोल एंटर कंट्रोल टी। अब यहाँ पर जो कंटेंट हमें मिला है वो कंटेंट है 3 पार्ट्स में।
तो यहाँ पर तीन अलग अलग सैंपल दिखा करके उन सभी के ऊपर जो प्राइस है वो फिक्स करना है। तो कैसे दिखाना है आइए देखते हैं। इस रीडर वर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और देखिए इसी से मैं निकाल लूँगा सब चीज़। इसको ओपन करेंगे और R1 की ज़रूरत है या R2 की ज़रूरत है तो मैं एक को रखूँगा, इन सभी को डिलीट कर लेंगे। और इसमें जो स्टार है उसको भी हटा देना है। इसको लिखेंगे प्राइस 1 और इसी तरह से इसकी कॉपी कर लेंगे। इसको मैं फ़िलहाल ऊपर लेकर जाता हूँ और इसे एडजस्ट करना है इसके सामने। यहाँ पर कुछ कंटेंट भी लिखना होगा ताकि प्राइसिंग के बारे में कुछ डिटेल से कोई जानना चाहता है तो वो भी जान सकता है। तो फिलहाल हम लोग राइट साइड से आएंगे यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर की स्पेसिंग सभी इक्वल होना चाहिए। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी करूँगा इस तरह से और एक कॉपी और करूँगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। अब ये जो हमने कर दिया, ये तीन अलग अलग बुक है, इसके ऊपर सिर्फ हमें प्राइस लिख देना है। उससे पहले हमें यहाँ ग्रुप में रीनेम कर लेना होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे और प्राइस 2 कर देंगे और इस पर प्राइस 3 कर देंगे। यस, ये है फर्स्ट चैप्टर। तो इसको कॉपी करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और इसके ऊपर लाना है। इसका कलर हमें ब्लैक रखना है। फॉक्स बोल्ड हटा देंगे, ये नॉर्मल बोल्ड है इसको रहने देंगे, लेकिन साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, 16 से ज़्यादा नहीं रखना है। और इसको अलाइन कर लेंगे। तो अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन हो जाएगा और इसको अलाइन कर सकते हैं ऐसे। इसका कलर थोड़ा और मैं लाइट कर लेता हूँ, आई थिंक ये ठीक है। और इसका जो कलर कोड है कॉपी करेंगे और इन सभी में पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसको ओपन कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से पेस्ट कर लीजिए। इसको भी डबल क्लिक करेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। यस, अब ये कलर कोड सभी का पेस्ट हो गया है, सेम हो गया है। अब ये फर्स्ट चैप्टर हमने लिख दिया है। इसका जो प्राइस है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ये $0 है, यानी कि ये फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका कलर मैं रखूँगा ये येलो। और इसकी साइज़ बड़ी रखनी है। ध्यान रखें जो प्राइस वगैरह होती है उसके साइज़ को बड़ा रखना ज़रूरी होता है। और ध्यान रखें कि इसको चाहें तो आप फॉक्स बोल्ड कर सकते हैं। इसको भी अलाइन कर लेते हैं इसके साथ। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बटन हमें लगाना है कि अगर कोई डाउनलोड करना चाहे तो यहीं से डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए आप यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर आएंगे। रेडियस 50 पिक्सल होना चाहिए और आप एक छोटा सा बटन इस तरह से बना लें। यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट भी लिख दिया है। अब उसके बाद डाउनलोड बटन के ऊपर हम लोगों को लिखना है डाउनलोड और इसका कलर रखना है ब्लैक। इसको अलाइन करना है इसके साथ, तो आप अलाइन कर लीजिए ऐसे। और इसको हम लोगों को रखना है नॉर्मल रेगुलर और इसके साइज को छोटा करना है 14। अब ये देखिए फर्स्ट चैप्टर का हो गया है, तो इन सभी को ही कॉपी करना है। सबसे पहले इन सभी को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए, ये है। तो अब इसी की कॉपी करेंगे और इन दोनों के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल जे से कॉपी कीजिए 2 और उसके बाद सभी को ओपन करके और इसके ऊपर लाकर पेस्ट कर लीजिए ऐसे। और इस ग्रुप के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे ऐसे। और अब इस ग्रुप को ड्रैग करके लाइए यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके, ताकि इक्वल लाइन में आ सके। और इसको भी शिफ्ट प्रेस करके लाना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है ऐसे। ये देखिए अब सिर्फ हमें इसकी प्राइसिंग चेंज करनी है। तो प्राइसिंग चेंज करने के लिए कंटेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आप कॉपी कीजिए और लाकर पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। इसको अलाइन करना है तो अलाइन आप कर सकते हैं इस तरह से। अब ये फाइनल प्राइसिंग है, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर कंट्रोल वी। ओके करेंगे और इसको भी अलाइन कर लेंगे।
देखिए किसी भी लेयर के थंबनेल के ऊपर जैसे मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्शन करने के लिए बार बार इसी शेप की ज़रूरत नहीं है। मैं इस टेक्स्ट का भी सिलेक्शन करके इस पर दोबारा अलाइन कर सकता हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करके मैं इस थंबनेल पर क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर के थंबनेल के ऊपर। ऐसे देखिए सिलेक्शन हो गया और ये $30 के लेयर पर रहेंगे। मूव टूल पर जाएंगे और यहाँ से अलाइन ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। अब ये तीनों काम हो गया है। अब हम लोगों को यहां पर कुछ कंटेंट लिखना है, वो कंटेंट भी मैं लिख देता हूं। एक गाइड मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूं और उसके बाद टाइप टूल पर रहते हुए यहां से कॉर्नर से मैं लिखूंगा ऐसे, इसके बराबर, एग्जैक्टली इसके बराबर, और इतना ही गैप रखेंगे जितना गैप यहां पर है, और साइज को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं वी से पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से, जो हमने पहले से कॉपी कर रखा था। यहाँ पर साइज मैं बढ़ा देता हूँ ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें। फिलहाल मैं करता हूँ इसको 18 और उसके बाद इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। इसको बोल्ड से हटाकर हम लोग करेंगे रेगुलर ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर एक बटन की ज़रूरत होगी रीड मोर का, तो इस पर जाएंगे और एक बटन बना लेंगे हम लोग इस तरह से, और इसको यहां पर एडजस्ट कर लेंगे और यहां लिखेंगे रीड मोर। इसको आप अलाइन कर लीजिए अच्छे से, ये देखिए। अब आप फाइल में जाकर सेव कर लीजिए, यहां तक वेबसाइट रेडी हो गई है। अब उसके बाद हमें कंटेंट के अंदर जाना है, देखना क्या है। स्क्रीन नंबर 8 में लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको लिखना कंपलसरी है इन चीज़ों में खासतौर, इसको कभी मिस ना करें आप। तो अबाउट द ऑथर लिखना है और उसके बाद इसका कंटेंट, और लास्ट में फिर सोशल आइकन वगैरह लगा करके फुटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। ध्यान रखें कि सभी जगह पर आपको स्पेसिंग इक्वल रखना है, तो मैं इसी गाइड को लेकर आता हूँ और यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ध्यान रखें यहां पर जो स्पेस है वही स्पेस यहां पर भी होना चाहिए, स्पेस अलग अलग ना हो। अबाउट द ऑथर यहां पर हमें लिखना है, तो मैं पेस्ट कर लेता हूं कंट्रोल वी से। लेकिन उससे पहले आप नीचे वाले इन सभी को ग्रुप जरूर कर लीजिए, यहां तक हमें ग्रुप करना है, यहां तक हमें ग्रुप करना है, तो कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं ये है, और इसको लिखते हैं प्राइसिंग। अबाउट द ऑथर इसके साइज को, इसके साइज को भी हमें वही रखना है 81.88, और यहां से बोल्ड करेंगे, फॉक्स बोल्ड भी करना है तो फॉक्स बोल्ड कर लीजिए, और वही सेम चीज आप द ऑथर जो है इसको येलो कर लीजिए, ये कलर, यस। क्योंकि ये जो डिजाइन है सभी का बेस एक जैसा ही होना चाहिए, अलग अलग ना हो। यहां पर एक फोटो लगा देंगे ऑथर का और नीचे एक कंटेंट आ जाएगा इसका, तो कंटेंट मैं कॉपी करता हूं, ये कंटेंट है, इसको कॉपी करके कंट्रोल सी से और यहां पर पेस्ट कर देना है हमें। और यहाँ पर एक इमेज चाहिए होगा, तो इमेज के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें इमेज ऑथर का लाकर लगा देंगे। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर मास्किंग कर देंगे इसके ऊपर, कंट्रोल ऑल्ट जी से मास्किंग, और इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसका आप स्ट्रोक चाहें तो स्ट्रोक दे सकते हैं, आप इस पर जाएं और यहां से एक स्ट्रोक ऐड कर लें, स्ट्रोक लाइट कलर का होना चाहिए ऐसा। अब कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी करेंगे। अब इस गाइड को कंट्रोल एच से हटा लीजिए, ये देखिए यहां तक रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ सोशल आइकन वगैरह लगा करके इस वेबसाइट को फाइनल करना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी में सिंपल वेबसाइट तैयार हो गई है। इस तरह की वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो इस तरह की वेबसाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है।
अब यहाँ पर हमें सोशल आइकन लगाना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले की ग्रुपिंग कर लेते हैं कंट्रोल जी से और इसको लिखते हैं ऑथर। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर हमें फुटर तैयार करना है। ध्यान रखें स्पेसिंग वही होना चाहिए जो स्पेसिंग हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बीच में वही स्पेसिंग हमें यहाँ पर रखना है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसका कलर मैं ये रखूँगा, देखिए ऊपर में हमने वो कलर यूज़ किया हुआ है, वही कलर मैं रखूँगा यहाँ पर। ये जो हमने कलर रखा है यही कलर यहाँ से कॉपी करेंगे, ये है कलर कोड, और फुटर का जो हम लोग कलर रखेंगे सेम कलर होना चाहिए। यस, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए सेम हो गया है, अब आप ओके कर लीजिए, कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी। इसके ऊपर हमें सोशल आइकन्स वगैरह और एड्रेस जो भी होता है फूटर का वो ऐड कर लेंगे। अभी आने वाले ट्यूटोरियल्स में फूटर कैसा कैसा होना चाहिए इस पर डिटेल मिल जाएगा, तो फिलहाल फूटर को मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। इसमें आगे जो ऐड करना है वो क्लास नंबर 53 में ऐड कर लूँगा, और आगे क्लास नंबर 53 में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा कि आप एक वेबसाइट में किन किन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, इनर पेजेस कैसे बनाना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वेबसाइट के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो कंटेंट है ये आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग क्लास नंबर 49 से लेकर 52 तक और क्लास नंबर 53 में भी आप लोगों को कल मिल जाए तो आपका ये एक वेबसाइट का होम पेज और इनर पेज कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इसके बाद आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जो सिंपल वेबसाइट होती है। तो मिलते हैं क्लास नंबर 53 में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।